एशियाई कोरोना की बाढ़, भारत में फिर से मच गया है हाहाकार। कोरोना के सभी वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरनाक है ये वेरिएंट। देश के वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक वेरिएंट के बारे में बता दिया। जरा सी चूक और लापरवाही से शरीर पर करेगा बड़ा प्रहार। सरकार द्वारा कोरोना की गाइडलाइंस का पालन ही जान की सुरक्षा है। जी, देश में साल 2022 के अंत में पूरे देश में हाहाकार मच गया है। नया साल आने से पहले हर कोई डर और सहम गया है। वहीं जरा सी लापरवाही पर हमें फिर से साल 2020 जैसा दौर फिर से देखने को मिल सकता है। अगर हमने जरा सी भी लापरवाही की, एक बार फिर से कोरोना हम सबकी जिंदगी को घरों में कैद कर सकता है। इस बीच चीन से आए इस खतरनाक वेरिएंट को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार सब अलर्ट हो गई है। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों को संभालने के लिए और इस महामारी से निपटने के लिए लगातार मीटिंग और जागरूकता के साथ में तमाम सुविधाएं प्रदेशवासियों को देने की बात कर रहे हैं और लगातार उस पर काम भी चल रहा है। वही खबरों के मुताबिक इस बार के वायरस का जो वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसको लेकर अभी से लोग डरे और सहमे हुए हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने भी हर एक तरीके से सभी राज्यों को निपटने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना के इस नए वेरिएंट से पूरा देश डरा और सहमा हुआ है और जानना चाह रहा है कि आखिर ये कितना खतरनाक है और कैसे किस तरीके से ये हमारे शरीर में असर करता है, जिसको लेकर देश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट के बारे में खोज करते हुए एक बड़ी बात कही है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तक के सभी वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरनाक है वेरिएंट BF7। कोविड का नया वेरिएंट BF7 अब तक के सभी वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसकी संक्रमण क्षमता भी बहुत अधिक है। BHU के वैज्ञानिकों के अनुसार इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 15 लोगों को चपेट में ले सकता है। लिहाजा प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही इसका टीकाकरण जरूरी है। ये नया वेरिएंट चीन, जापान, ब्राजील व USA में फैला है और अब भारत में भी इसके कई केस मिल चुके हैं और पांव पसार रहा है। इस खतरनाक वेरिएंट पर अपने देश की वैक्सीन आखिर कितनी असरदार है? यूपी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में IMS BHU के प्रोफेसर सुनीत कुमार सिंह ने कहा कि चीन में इसका प्रभाव ज्यादा है। उनकी कोरोना वैक्सीन में संक्रमण से लड़ने की क्षमता महज 40% है, जबकि भारत में बनी वैक्सीन 80% असरदार है। नए वेरिएंट में जो म्यूटेशन मिल रहा है उसकी संक्रमण दर ज्यादा है। अगर एक व्यक्ति BF7 से संक्रमित है तो वो तकरीबन 15 लोगों को संक्रमित करेगा। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट से बहुत से लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वजह से उनके शरीर में नए वेरिएंट से लड़ने की क्षमता भी अब ज्यादा रहेगी। लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। हालांकि भारत में अभी इसका असर कम है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत ज्यादा है। वहीं चीन में इसका प्रभाव ज्यादा है और जो वहां वैक्सीन लगाई गई है उसका असर बहुत कम है। वहीं एक अध्ययन के अनुसार अब तक मिले अन्य वेरिएंट के मुकाबले BF7 में संक्रमण क्षमता भी अधिक है। इस वेरिएंट में भी म्यूटेशन है जो कि ज्यादा लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। शुरुआत में 1 से 2, डेल्टा में 5 से 6 और ओमिक्रॉन में संक्रमण क्षमता 8 तक पहुंच गई है। फिलहाल इस खतरनाक वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सभी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और लोगों को जागरूक करें, जिससे इस महामारी से लड़ने में हमें आसानी हो।